हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल, टू ऑल माय व्यूअर्स, टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स. आई एम अविनाश, एन एडवोकेट एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. टुडे इन दिस सेशन आई शैल बी ब्रेकिंग अ लीगल न्यूज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, एक्सप्लेनिंग द डिटेल्स अबाउट इट, कमिंग डायरेक्टली स्ट्रेट फ्रॉम द कोर्ट रूम्स ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट. दिल्ली हाई कोर्ट, basically Delhi High Court asked the central government to establish more DRTs in national capital in Delhi, right? To establish more DRTs. DRT kya hai bhai? Debt Recovery Tribunal. Delhi High Court ne central government ko bola hai aur in fact kaho ki order diya hai, direction diya hai ki to establish more DRTs, Debt Recovery Tribunal. जो पैसे फंस जाते हैं उसको रिकवरी कराने वाला ट्रिब्यूनल, राइट? तो बिकॉज देर आर सो मेनी पेंडिंग केसेस, राइट? एंड द केसेस आर डम्प्ड लाइक एनीथिंग, इट्स इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग. द मैग्नीट्यूड, द नंबर ऑफ केसेस, द क्वांटिटीज आर इंक्रीजिंग एवरी अदर डे एंड दे डोंट हैव दोज नंबर ऑफ डीआरटीज that they can take up all the cases, and that's why it's becoming increasingly more in number. And that's why here the Delhi High Court has expressed its concern over the dismal state of infrastructure also. Dismal state of infrastructure in the DRTs and pendency of cases at DRTs, and it is terming them a dump of files and records. दैट इज दिल्ली हाई कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी डांट लगाई है, और उन्होंने नए नए डी आर टीज भी एस्टेब्लिश करने के लिए बोले हैं, क्योंकि जिस तरह से मामला बढ़ रहा है, जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस एड ऑन हो रहे हैं, तो इट हैड बिकम अ डंप ऑफ फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स एज ऑब्जर्व बाई ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, राइट? सो दिस इज द लास्ट न्यूज फॉर टूडे, लीगल ब्रेकिंग, एंड वी शैल बी मीटिंग टुमारो अगेन with the next set of news coming out from the Honorable Supreme Court or the Honorable High Courts. Thank you everyone for watching me over here. Jai Hind.